हाय शार्क्स, सबसे कॉमन चीज है डेनिम। डेनिम एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी कहीं पे भी पहन सकते हैं, डेट नाइट, कॉलेज आउटफिट्स, ट्रेडिशनल वेयर में आजकल आप डेनिम्स पहन सकते हैं। लेकिन शार्क्स, अगर आप आज की इंडियन डेनिम मार्केट देखेंगे तो या इंटरनेशनल फास्ट फैशन ब्रांड से भरी हुई है, जो या तो बहुत एक्सपेंसिव है, या हमारी इंडियन वुमेन की बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं बनाई गई है, या हमारे वेदर के लिए सूटेबल नहीं है। और दूसरी तरफ शार्क्स, अगर आप देखेंगे इंडियन डेनिम ब्रांड्स, ये प्राइमरली मेल ऑडियंस को ही केटर करते हैं एंड वैसे भी ज़्यादा एस्पिरेशनल नहीं है हमारे इंडियन यूथ के लिए। तो शार्क्स, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आए हैं हमारे ब्रांड के साथ, वो है फ्रीकेंस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है पुनीत और मैं हूँ बॉम्बे से। और मेरा नाम है शान और मैं हूँ अहमदाबाद से। फ्रीकेंस एक डेनिम फास्ट फैशन अपैरल ब्रांड है जो हर हफ्ते अलग अलग स्टाइल्स लॉन्च करता है इंडियन वुमेन बॉडी टाइप के लिए और जेन जी फोकस्ड है। हमारे पास 35 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं और 1500 से ज़्यादा स्टाइल्स है डेनिम। पिछले 3 साल में हम लोगों ने 2.5 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं इंडिया में। हमारे स्टाइल्स कॉलेज गर्ल्स भी पहनते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहनते हैं। हमारे स्टाइल शार्क्स आप आज freakins.com पे भी खरीद सकते हैं, एज वेल एज ऑन मार्केट प्लेसेस सच एज Amazon, Myntra, Nykaa और Meesho। हमारा विजन क्लियर है, अगर डेनिम या जीन्स की कोई बात कर ले तो फ्रीकेंस पहले आना चाहिए, और इसी के लिए आज हम आस्क लेके आए हैं 70 लाख फॉर 1%। हमारा धुंधला हो गया विजन। टीम फ्रीकेंस शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। अभी आप बताइए आप दोनों के बारे में। मैं स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज था जब फ्रीकेंस चालू किया। इट वाज आउट ऑफ एन इनसाइट। मेरे फ्रेंड्स लेके आ रहे थे, दे वर गेटिंग इट ट्रिम्ड और अल्टर करा रहे थे। दे वर लुकिंग एट द वेस्टर्न OTT content, but not getting the products in their height, their size, and that's how it started. So, my background of family is what supported me. My background and family is from manufacturing of textile. But हम लोग बाहर वाली companies के लिए करते हैं, तो why not just for ourselves? और आपके पापा की डेनिम की भी फैक्ट्री थी? मेरे अंकल की। So me और मेरे अंकल सचिन, we started using वो ही fabrics और वो ही stock to make products for ourselves. 3 साल हो गए एंड देन द फ्रीकेंस वाज बीइंग लुक्ड फॉर अ एक्विजिशन बाय वन ऑफ द लार्जर ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस, जहां मैं पुनीत से मिला। पुनीत वहां काम कर रहा था? जी अर्थात मैं नायका पे काम कर रहा था और उधर मैं चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर था। पहले ही हफ्ते में फ्रीकेंस की डील आ गई थी, शांत की और मेरी तो उधर ही क्लिक हो गई थी कि इंडिया में अगर फास्ट फैशन ब्रांड बनाना है तो पूरी सप्लाई चेन फुल स्टैक ओनरशिप होनी चाहिए। मैंने शान को फोन किया एंड सेड कि क्या कर रहे हैं, चलो साथ में कुछ करेंगे तो कुछ बड़ा बना लेंगे, एंड दैट्स हाउ वी केम टुगेदर। और हाउ डू यू फील कि आप नायका से बड़ा चेक लेने को और आपको पुनीत मिल गया उसकी जगह? अक्वायर हमने किया ना। तो आपके अंकल का भी हिस्सा है इस कंपनी में? जी। तो इक्विटी कैसे डिवाइडेड है शान, पुनीत और आपके अंकल में? -54%। Yours is 54%. भाई कमाल का खेल खेला यू। क्या एक्वायर करा है? एक्वायर कर ही लिया है। 54% yours, one second, just clarify. 36%. 36 और अंकल जी? अंकल जी 5%. और बाकी? And 5% ESOP pool. How did you freaking do it? I'll answer that. When we started, पहले से ही विजन था कि बड़ा करना है। सप्लाई चेन अपने पास है, मार्केटिंग अपने पास है, जेन जी कंज्यूमर ब्रांड है। वी लैक्ड बिग टाइम ऑन बिज ऑप्स, जिसके वजह से 3 साल में वी हैव इनकर्ड लॉसेस एंड स्टफ। यू लैक व्हाट? बिजनेस ऑपरेशंस। ये कैसे डिसाइड हुआ कि यू आर 54 एंड आइडिया आप लाए थे? हाँ, शान ओन 40% ऑलवेज, सचिन ओन द अदर 60%। तो मैंने आके वो 60% ले लिया था। अभी के लिए वी गॉट कमिटमेंट्स ऑफ 4.5 करोड़। And we've also signed Dexter. What valuation? वो 20% convertible note पे किया है। At cap क्या है? We've cap हम लोग बात कर रहे हैं 30 करोड़ की and 60 करोड़ की, लेकिन उसमें भी थोड़ी flexibility है because friends and family है, reputation नाम पे देते हैं। And फिर Dexter के साथ हम लोग अभी ये महीने जा रहे हैं out to raise money and उनके साथ जब बातचीत हुई है तो we've spoken about a valuation of somewhere around 70 crores, इसलिए वो valuation आ गई है। आपके designations क्या है? I'm running the marketing for CMO and you are CEO. Yes, they all made something for each one of you. अरे वाह! Can we get it? ले आइए रिश्वत, ले आइए जल्दी से।
बढ़िया है भाई, मेरे में तो यार ये बनी हुई है। ओ, जिसके लेंस कार्ड का चश्मा। Not bad. अच्छा चलो सेल्स पे आ जाइए। मैं नेट सेल्स की बात कर रहा हूँ। 2019 टू 2020 हमने 90 लाख नेट किया था। 2020 टू 2021 हमने 6.7 CR नेट किया था। Wow. उसके बाद हमने 2021 टू 2022 हमने 10.4 CR नेट किया था। Puneet is adding value. And अब this fiscal year हमने 6 महीने में average of 90 lakhs का net किया and September has been one of the bigger months of 90 lakh to ऊपर। Losses और profits करने से? Year one was like a break even, छोटा number था तो बहुत कुछ ऊपर नीचे नहीं था। Year two में हम लोग ने 2.1 CR का loss किया। Year three में 3.8 CR का loss किया। बट इस साल हम लोग ने एक सेकंड, ये किसने पैसे भरे लॉस के? आपने भरे? हाँ, सो फैमिली वाज फंडिंग इट थ्रू स्टॉक क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी था तो वो इन्वेंटरी कैपिटल जो था वो अंदर आया जा रहा था। अच्छा, एंड इस साल हम लोग ने अभी तक इन टोटल लॉस 60 लाख का किया 6 मंथ्स में। तो ये लॉस हो क्यों रहा है? दैट इज माय थिंग। फॉर 2 साल तक हमारे ग्रॉस मार्जिन हमको पता नहीं थे, वी वर सेलिंग इट वेरी चीप, हमारे पास इन्वेंट्री टर्न्स और इन सब का नॉलेज बिल्कुल नहीं था, सो वी वर जस्ट पुशिंग इट आउट, इन्वेंट्री डाले जा रहे थे, सेल हो रही थी पर पता नहीं था कितना बना है, क्या कर रहे हैं। जब अप्रैल में जब सब कुछ स्ट्रक्चराइज होने लगा, 38% का ग्रॉस मार्जिन से हम लोग 63% ग्रॉस मार्जिन पे आ गए। गाइस, व्हाट अ फ्रिकिंग मेस। ये 60 लाख रुपए जो गए पिछले 6 महीने में, ये किसने भरे? दिस 60 लाख अभी के लिए सचिन के थ्रू आए इन वेंडर पेमेंट्स व्हिच वी ओ टू हिम। आप अभी आ गए हो, यू ओन 54% ऑफ द कंपनी, फिर भी लॉसेस हो रही है लेकिन फैमिली उनकी दे रही है। आज अगर आप 70 लाख लेके जाते हो तो आप वो वेंडर पेमेंट करके डेट रिटायर करोगे? यस यस। तो अभी के लिए इट्स अ मेस भाई, आई एम नॉट सिटिंग हियर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी फॉर द पास्ट। मैं इन्वेस्ट करूंगा पैसे फॉर द फ्यूचर। तो या तो आपने गलत कहा या मैंने गलत सुना, क्या बात? Exactly, अनुपम, let me just clarify this thing. जो losses है right now, उनमें से vendor को हमें 20 लाख रुपए हर महीने देने हैं COGS के लिए, तो वो payments अब तक हम लोगों ने की नहीं है। अभी जो 4.5 करोड़ का जो कमिटमेंट एंड ये महीने में आने वाला है, उनमें से वी आर गोइंग टू फर्स्ट रिटायर 1.5 करोड़ इन टोटल वर्किंग कैपिटल डेट, एंड फिर आगे जाके वेंडर के साथ हमारी 120 दिन की पेमेंट टर्म्स है। बट जो 4.5 करोड़ डाल रहा है वो रेडी है कि वो 1.5 करोड़ आप डेट रिटायर करेंगे? यस, रिटायर भी करेंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद रिटायरिंग डेट? अरे, यू डोंट फंड अ कंपनी, यू फंड अ कंपनी फॉर ग्रोथ, नॉट टू रिटायर। बेसिकली अनुपम, क्या है कि ये 6 महीने के लिए व्हेन वी डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, मैंने सचिन के साथ बात की एंड सेड कि ये कमिटमेंट्स है, हम लोग डील क्लोज करके पैसा ट्रांसफर कर लेंगे, लेकिन द बिजनेस शुड कीप ग्रोइंग, तो प्लीज आप स्टॉक देते रहिए। वी नो दैट आवर बिजनेस इज नॉट येट प्रॉफिटेबल, लेकिन वी आर रिड्यूसिंग आवर लॉसेस एंड वी हैव आल्सो पेड 1 करोड़ टू सचिन एज जस्ट अ सेकेंडरी डील। मैं देखो बताता हूँ हुआ क्या है। एक कंपनी थी फ्रीक्वेंस जो इन्होंने और सचिन ने शुरू करी थी, उसमें लॉस हो रहे थे, इन्होंने सोचा कंपनी बंद कर देते हैं। बंद करने के सिवाय अब पुनीत आ गए, पुनीत ने बोला मैं कंपनी रन करूंगा, आपके जो डेट्स वगैरह होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। Am I right? आप 1 करोड़ रुपए ले लो, साथ में 1 करोड़ रुपए दिया। मैंने 1 करोड़ रुपए भी दिए प्लस जो प्रीवियस डेट था। 1 करोड़ रुपए किसने दिए? मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो रेज किया है ऑफ दैट 4.5 राइट नाउ, उसमें से 1 करोड़ हम लोग वो सेकेंडरी सेल में दे दिया है, 1.5 करोड़ टू रिटायर ऑल ऑफ द डेट, एंड फिर बाकी का ऑफ कोर्स इन द बिजनेस आएगा, प्लस वी आर गोना बी रेजिंग मनी आल्सो। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल ब्रेक इवन। चलो, मैंने डिसीजन बना लिया, आप पुनीत एक अच्छा बेट ले रहे हो एंड इट इज वर्थ योर टाइम, एंड अगर आपने इसको सक्सेसफुल बना दिया है, टर्न अराउंड होते हैं बिजनेसेस, बट अभी मेरे लिए इन्वेस्टेबल नहीं है बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड। मे बी 1 साल बाद मैं चाहूंगा आप यहाँ पे आओ 30 करोड़ की सेल करके, कंप्लीटली डेट फ्री करके कंपनी को, देन आई वुड बी ओपन टू इन्वेस्टिंग, नॉट टुडे। गाइस, मैंने भी डिसीजन बना लिया, आप यहाँ तक आए हो, जिस तरह से आपकी जोड़ी बनी, आई थिंक देयर इज सम डेस्टिनी अवेटिंग यू। लेकिन मुझे और कोई 2-3 अलग प्रॉब्लम है। एक तो मैं कोई डिजाइन लैंग्वेज नहीं ढूंढ पा रहा हूँ आपकी स्टाइलिंग, इट ऑल सीम्स वेरी डिफरेंट एंड मेसी लाइक योर कंपनीज कैप्टन। इस रीजन से मैं आज आउट हूँ। लाइक पीयूष सेड, 1 साल बाद अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी हो
तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है एक इन्वेस्टर को. करंटली जो आपने बताया 3.5 crore लॉस, 2.5 crore लॉस, 1.5 crore लॉस, अभी वापस 60 lakh लॉस. इससे यू नो आई प्रिफर इन्वेस्टिंग इन कैश फ्लो बिजनेसेस. बट विश यू द बेस्ट. एज आई सेड, बाय एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी प्रॉफिटेबल. इनफैक्ट ये महीना जो सितंबर का महीना है has been our best month. We've done 1.95 crores in gross revenue, of course. कहाँ सेल्स करते हो? DTC पे 35% होती है एंड फिर मार्केट प्लेसेस पे 65%. अभी तो ये सीजन चालू हुई है एंड वी हैव, अगर सेल पीरियड भी है तो वी आर नॉट डिस्काउंटिंग एनीथिंग. वी डोंट डिस्काउंट एट ऑल. फिर भी सेल के टाइम पे वी आर वन ऑफ, वी सेल रियली वेल. दूसरी बात है कि Myntra has a month back, they've given us an MOU where they want us to be exclusive on their platform. The commitment उन्होंने दिया है इसकी पहले 12 महीने में हम लोग 40 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे उनके साथ एंड द सेकेंड ईयर वी विल डू 70 करोड़. टोटल मार्केटिंग स्पेंड कितना था सितंबर में? मार्केटिंग पे टोटल मतलब 12 लाख रुपए परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड की थी. 12 लाख स्पेंड किया एंड 1.1 करोड़ नेट रेवेन्यू. 1 करोड़ 5 लाख. इज दैट करेक्ट सितंबर में? आपका बर्न थोड़ा ज्यादा है और आपने ब्रांड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करी है. अभी तक आप परफॉर्मेंस और कमोडिटी ट्रेडिंग की तरह काम कर रहे हो थोड़ा सा. और आपने बोला मैं डिस्काउंट भी नहीं करता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. आजकल तो बेस्ट से बेस्ट ब्रांड भी ना डिस्काउंट बेचता है अगर डील आ रही होती है और अगर Myntra में सेल चाहिए होता है. एवरीबडी कमिंग फॉर द सेल इज कमिंग फॉर अ लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट. मे बी यू गाइस कैन डू वेल. आई एम आउट फॉर. मैं अमन से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूं बाय द वे. डिस्काउंट करो अगर आप 1.9 करोड़ का सेल्स कर रहे हो और 10 लाख उसमें आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डाला है और डिस्काउंट नहीं, तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों डिस्काउंट पे जबरदस्ती देना. आई फील दैट मतलब अगर ब्रांड बनानी है तो प्राइसिंग कंसिस्टेंट रखना है. सॉरी जस्ट टू इंटरप्ट, व्हेन यू डिस्काउंटिंग मतलब वी डू ऑप्टिकल डिस्काउंटिंग करते हैं. अरे भाई उन्होंने वो आउट है, उन्होंने ना बोला वो आउट है. नो नो आई गॉट इट. आई गॉट इट. व्हाई यू अग्रीइंग विद हिम? बट इट्स राइट बिकॉज़ यू नो शी इज नॉट अग्रीइंग बट दे डू डिस्काउंटिंग. ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जब आपको लगता है कि कोई चीज है लेकिन वो होती नहीं है. उसी तरह ऑप्टिकल डिस्काउंट होता है जब एक कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाती है, उस पर डिस्काउंट देती है. कंज्यूमर को लगता है उन्हें डिस्काउंट मिल रहा है लेकिन असलियत में डिस्काउंट है ही नहीं. यू नो पहली बात तो ऑब्वियसली ये राउंड में आया जा सकता है ओनली इफ देर आर अदर पीपल, बिकॉज 1.5 crore की डेट तो बहुत हाई होती है. तो मुझे नहीं लगता इसका वैल्यूएशन भी 20 करोड़ से ज़्यादा लगाया जा सकता है. तो अज्यूमिंग कि दिस इज पार्ट ऑफ अ बिगर राउंड एंड वुड बी ओके टू कम इन विद 50 लाख इन इक्विटी एट 2.5% विच इज 20 करोड़ की वैल्यूएशन एंड अनदर 20 लाख इन डेट एट 12% इंटरेस्ट. इट्स अ गुड ऑफर. इट्स अ वेरी गुड ऑफर. Vinita, thank you for the offer. हमारे पास एक काउंटर है, अगर आप अलाउ करो. अच्छा बताइए काउंटर. 50 lakhs for 2% debt वाला is fine. 25 करोड़ बहुत ज़्यादा valuation. 20 करोड़ is absolutely fine. Vinita, the reason we are also saying it partly is कि बाकी के जो लोग हैं जो जिससे रेस कर रहे हैं. But she'll add value, boss. She'll add a lot of value, definitely. हाँ, but others may not add value. नहीं लेकिन क्या है कि पीयूष जिन्होंने भी कमिटमेंट की थी लास्ट 6 मंथ्स में, द बिजनेस हेल्थ हैज इंप्रूव्ड अ लॉट. आई कैन नॉट मूव ऑन द वैल्यूएशन. इनका नॉन नेगोशिएबल ऑफर है 50 लाख फॉर 2.5%. तो आपका डिसीजन बताइए. नीता, डील पक्की. ओह नाइस, वेल डन, गुड डिसीजन. ये लोग भी बड़े खुश है कि ये रिलैक्स हो जाएंगे. कह रहे हैं हमारे तो ऐसे बिठाया हुआ है. थैंक यू, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. थैंक यू शॉट. थैंक्स. थैंक यू गाइस. गुड वन गाइस. ऑल द बेस्ट. बाय.